एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं आप लोगों को सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस के बीच का डिफरेंस बता पाऊँ। ये चीज आपके इंटरव्यू के लिए, जुडिशरी के इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज एक एस्पिरेंट से मेरी बात हो रही थी एंड शी हैज क्वालिफाइड द इंटरव्यू ऑल्सो। तो इंटरव्यू राउंड में उनसे पूछा गया कि उनको बेयर एक्ट दिया गया था बेसिकली किसी प्रोविजन के लिए और उन्हें वो पढ़ने को बोला गया। सो यहाँ पर क्या है, दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, दे जस्ट टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी कि किस तरीके से आप जो है बेयर एक्ट को खोल रहे हैं। आप सब सेक्शन को क्लॉज तो नहीं बोल रहे या सब क्लॉज को सब सेक्शन तो नहीं बोल रहे, तो ये चीज जो है वो चेक करी जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम सब सेक्शन किसको बोल रहे हैं और आप कहीं सब सेक्शन को क्लॉज तो नहीं बोल रहे हैं। बहुत ही माइन्यूट सा जो है डिफरेंस होता है जो हमें जानना होता है, और वो देखते ही आपको सेक्शन को समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद कि क्या चीज सेक्शन है, क्या चीज सेक्शन तो पता ही होता है, क्या चीज सब सेक्शन है, क्या चीज क्लॉज है, क्या चीज सब क्लॉज है। बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करना तो आई गेस अब थोड़ा बहुत आप लोगों को आ गया होगा इतनी वीडियोस देख देख कर। तो आज इस मामले में जो डिफरेंस होता है इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास आईपीसी की बेयर एक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब वहां पर एक सेक्शन है, सेक्शन 375, दैट इज रेप। उसमें देखो आपको सब सेक्शन के बीच में भी, सब सेक्शन क्या होता है ये भी पता चल जाएगा, सब क्लॉजेस क्या होते हैं ये भी पता चल जाएगा, और क्लॉज क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। पहले सब सेक्शन आता है, फिर क्लॉज आते हैं, फिर सब क्लॉजेस आते हैं। ठीक है, अगर कोई सब क्लॉज है तो ठीक है, तो पहले सेक्शन लिखा होगा ये 375, दिस इज अ सेक्शन। जैसे अगर 375 लिखा हुआ है और डॉट लगा करके रेप लिखा हुआ है तो दिस इज अ सेक्शन, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, ये एक सेक्शन है। सब सेक्शन क्या है, यहां से ही अगर 1 करके कोई बात लिखी है तो ये चीज सब सेक्शन है, ये चीज आपकी सब सेक्शन है। देखते हैं पहले रेप के प्रोविजन में आपको क्या दिया हुआ है। अब देखो रेप के प्रोविजन में कोई सबसेक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रेप के प्रोविजन में कोई सबसेक्शन नहीं दिया हुआ है। व्हाई आई एम सेइंग दिस आई विल टेल यू। आप 376 पर जब आएंगे तो आप 370 यहां से ये हटा देते हैं। ठीक है, हम सबसेक्शन के लिए 376 देखते हैं। आप 376 पर जब आएंगे तो 376 में आपको पनिशमेंट दे रखी है फॉर रेप। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बस यहां पर ऐसे डॉट लगा करके दे हैव रिटन 1, दिस 1 इज अ सबसेक्शन। ठीक है, ये एक सबसेक्शन है। ओके, नो प्रॉब्लम, फेयर। ठीक है, फेयर एनफ, ये चीज आपकी सबसेक्शन हो गई। अब हम आते हैं क्लॉजेस पे और सब क्लॉजेस पे। तो जहां पर जैसे यहां पर लिखा हुआ है रेप का लिखा है, उसके बाद इट इज रिटन अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही, अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही, और यहां पर डैश लगा हुआ है। माइंड यू, जब यहां पर कोई डैश लगा होता है, जब आपका कोई डैश इस तरीके का लगा है तो उसके बाद अगर कोई भी चीज लिखी हुई है यहां पर तो ये क्या होगा, ये आपका क्लॉज होगा। वही चीज है, लिखा हुआ है मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही, डैश लगा हुआ है, देन ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी जो है ये क्लॉजेस है, क्या है ये क्लॉजेस है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द 7 डिस्क्रिप्शंस। अब ये जो 7 डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं ये सब क्लॉजेस हैं, ये जो 7 डिस्क्रिप्शंस आपको दी हुई हैं इस सेक्शन में ये सब क्लॉजेस की श्रेणी में आएंगे, जिसे आप सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 बोलेंगे। ये बोलने का तरीका होता है, लेकिन हर सेक्शन में इस तरीके का नहीं दे रखा होता। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरीके का नहीं देते। क्या लिखते हैं, अगर यहां पर सब क्लॉज नॉर्मल तरीके से वो लिखते तो ये ए इनका ये लिखते ही खत्म हो जाता। उसके नीचे अगर इन्हें कुछ लिखना होता तो ये डैश बना करके यहां पर एक चीज और, पॉइंट 1 यहां पर ऐड कर देते और ये फिर वहां पर सब क्लॉज हो जाता। तो ये होता है, जहां पर ये लाइन आपकी आ गई, जैसे मान लो यहां पर अगर पूरी चीज लिखी होती, एक सेकेंड, एक और सेक्शन है जिसे, हाँ आप आओ 375 का समझ में आ गया। पहले आ गया आपका जो है क्लॉज, फिर उसके बाद आपका सब क्लॉजेस है। 292 पर जब आप आएंगे, सेक्शन 292 जो कि हमें सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स के बारे में बताता है,
इसमें जो सबसे पहली चीज दे रखी है ये वन दे रखा है, दैट इज ये सबसेक्शन हो गया, ये सबसेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हुएवर के बाद, यानी कि सबसेक्शन टू के बाद, सबसेक्शन टू के बाद हुएवर लिखा है, हुएवर के बाद एक डैश लगा दिया गया है। उसके बाद इट इज ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है, ये क्लॉजेस है, ये क्या है, ये क्लॉजेस है। बाई चांस अगर इसके नीचे इन्हें कोई और बात समझानी होती तो वो एक और डैश मार करके 1 2 3 4 कर देते, और कोई जरूरी नहीं है क्लॉजेस हमेशा ए बी सी डी होंगे, क्लॉजेस 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, क्लॉजेस जो है वो 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। मतलब पूरी बात कहने की ये है, कोई सेक्शन अगर शुरू हुआ है उस सेक्शन की एक पैराग्राफ या एक चीज खत्म हुई वहां पर अगर डॉट लगा हुआ है, मान लो कि कोई सेक्शन शुरू हुआ ऐसे, ये वन से शुरू हुआ, यहां पर डॉट लगा हुआ, खत्म हो गया, ये सबसेक्शन हो गया, फिर सबसेक्शन टू शुरू हो गया, फिर यहां पर खत्म हो गया ये, फिर उसके बाद तीसरा सबसेक्शन शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहां पर खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, यहां पर अगर डैश लगा हुआ है उसके बाद अगर ए बी सी डी या 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्लॉजेस की श्रेणी में आएगा, ठीक है। इतना ही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस आपको, अब आपको पहचानेंगे कैसे, आप इस डैश से पहचानेंगे और फुल स्टॉप से पहचानेंगे। कोई एक लाइन खत्म हुई है वहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, दैट इज अ सबसेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरीके का लगा हुआ है तो उसके नीचे जो भी चीजें हैं वो क्लॉजेस की श्रेणी में आएंगी। और अगर उसके बाद भी अगर उन्हें फर्दर एक्सप्लेन करना होता है, जैसे कि 375 में उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है, ये फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन 7 चीजें हैं, तो आप देखोगे ना वहां पर जो है इस तरीके का डैश फिर से लगा हुआ है। जब दोबारा इस तरीके का डैश लगा हुआ है मतलब कि वो सब क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आया होगा सबसेक्शन किसे बोलना है, क्लॉज किसे बोलना है और सब क्लॉजेस किसे बोलना है। आई होप यू गॉट इट, आई हैव मेड दिस वीडियो, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये वीडियो एक्चुअली बनाना चाह रही थी बट कुछ ना कुछ होकर के ये वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो फाइनली जो है ये वीडियो अब आप लोगों के साथ है। तो अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन होता है कि क्लॉज क्या है सब क्लॉज क्या है, तो एक बार इसे देख लेना। वैसे मुझे लगता है आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि क्लॉज क्या है, सब क्लॉज क्या है और सबसेक्शन क्या है। सबसेक्शन तो पता होता है बट क्लॉज और सब क्लॉज में जो है डिफरेंस नहीं समझ पाते कि हम क्लॉज किसे बोलेंगे और सब क्लॉज किसे बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।